गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था और इसका क्वेश्चन नंबर 2.21 था। इसके अंदर आपको दो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, और वो दो कंपाउंड बना रहे हैं ए बी टू और ए बी फोर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 1 ग्राम ए बी टू को जब 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन है, और जब 1 ग्राम ए बी फोर को 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर रहे हैं तो उसका डिप्रेशन हो गया 1.3। उसके बाद मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है बेंजीन का 5.1। आपको एटॉमिक मास निकालना है ए और बी का। ठीक है, चलिए। तो ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला मैंने कराया था। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लगाते हैं ए बी टू के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ए बी टू के लिए डिप्रेशन जो दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो दे रखा है 2.3। ठीक है, अच्छा के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 5.1 इंटू 1000। डब्ल्यू बी हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, यानी ए बी टू का मास। क्लियर है, क्वेश्चन में देखेंगे ए बी टू का मास कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है। एम बी हो गया मोलर मास ऑफ ए बी टू, तो वो तो अननोन है, उसको हमने एम बी लिख दिया। उसके बाद डब्ल्यू ए हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इससे एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5.1 इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 20। क्लियर है, तो इसे सॉल्व करके एम बी की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, 110.86 ग्राम। ठीक है, ये तो हुआ हमारा ए बी टू के लिए। अब सेम यही चीज़ ए बी फोर के लिए करनी है, फॉर्मूला लगेगा सेम, लेकिन ए बी फोर के लिए डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है उन्होंने, 1.3। के एफ सेम होगा 5.1 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी। अगेन आप देखोगे ए बी फोर कितने ग्राम डिजोल्व किया है, 1 ग्राम डिजोल्व किया है। ठीक है, अपॉन एम बी हो गया मोलर मास ऑफ ए बी फोर इंटू डब्ल्यू हो गया 20 ग्राम बेंजीन। क्लियर है, तो आप अगेन इसे सॉल्व करके आप एम बी की वैल्यू निकालोगे तो ये एम बी की वैल्यू आएगी 196.15 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल कह सकते हो आप। तो ये एम बी तो हो गया मोलर मास ऑफ ए बी टू, और ये नीचे वाला एम बी हो गया मोलर मास ऑफ ए बी फोर। ठीक है ना, तो अब देखो मोलर मास ऑफ ए बी टू को मैं कैसे लिख सकता हूं। मान के चलते हैं कि लेट एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल ए इज स्मॉल ए एंड एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी इज स्मॉल बी, तो मोलर मास ऑफ ए बी टू कितना हो जाएगा बच्चों, ए प्लस टू बी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सी एच फोर में हम कहते हैं कि एटॉमिक मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 4 इंटू 1 ऐसे करते, तो वहीं ये जैसे हमने 12 है और 1 है वो हमने क्या मान रखे, ए और बी मान रखे ए बी टू के लिए, तो मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा ए बी टू का, ए प्लस टू बी। उसी तरीके से मॉलिकुलर मास ऑफ ए बी फोर कितना हो जाएगा, ए प्लस फोर बी। ठीक है, तो ए प्लस टू बी हमने यहाँ कितना निकाला हुआ है, ए प्लस टू बी निकाला है 110.86, और ए प्लस फोर बी कितना निकाला हुआ है 196.15। ये 1 हो गया, ये 2, तो आपको 2 माइनस 1 करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196 में से 110 माइनस करना, तो ये 2b की वैल्यू यहाँ से आएगी 85.3। तो b की वैल्यू निकालोगे 85.3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, लगभग कितने ग्राम आ जाएगा, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैपिटल बी,
उसी तरीके से अब b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देना, तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.56, तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना, एटॉमिक मास ए और बी का निकालना है, तो वो आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.22, 22वां क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कह रहा है, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 bar एट सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। यानी टेम्परेचर सेम दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, तो R और T ये दोनों तो हो गए आपके सेम कांस्टेंट, तो इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो पाई वन अपॉन पाई टू इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो पाई वन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4.98, और पाई टू कितना दे रखा है, 1.52। सी वन कितना दे रखा है, सी वन निकालना है। देखो सी वन कैसे निकालेंगे, N1 अपॉन V, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के चाहिए, तो ग्लूकोज का मास दे रखा है अपॉन मोलर मास, ठीक है। ग्लूकोज का मास कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 36 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180, तो N1 हो गया 36 अपॉन 180, और वॉल्यूम देखो लिख रहा है प्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अ लीटर का मतलब 1 लीटर जो है इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। तो C1 हो गया 36 बाय 180, और C2 आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चन, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 2.23, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इट सजेस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन फॉलोइंग पेयर्स। यानी आपको कुछ कंपाउंड्स के पेयर दे रखे हैं, जैसे एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, और वो कह रहा है इनके बीच में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेंगे। तो सभी को पता है कि हेक्सेन और ऑक्टेन दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, आंसर है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस, ठीक है। नंबर टू, दूसरा पेयर क्या दे रखा है, I2 और CCl4, I2 एंड CCl4 अगेन बोथ आर नॉन पोलर, तो ऊपर वाले की तरह जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। नंबर थ्री, थर्ड में एक तो दे रखा है NaClO4 और एक दे रखा है वाटर, ठीक है। सबको पता है NaClO4 ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, वाटर क्या है, पोलर। तो आयनिक कंपाउंड और पोलर के बीच में आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। आयन तो हुआ इसका और डायपोल हुआ इसका, आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसके बाद नंबर फोर, नंबर फोर में मीथेनॉल हो गया, डेट इज CH3OH एंड एसीटोन CH3CO CH3, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करती है, कैसे करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया मीथेनॉल और ये हो गया एसीटोन, तो मीथेनॉल और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में, मीथेनॉल के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लास्ट है फाइव, एसीटोनाइट्राइल एंड
एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन के बीच में। तो एसीटोनाइट्राइल हो गया बच्चों CH3CN, ठीक है, और एक हो गया आपका एसीटोन CH3COCH3, ठीक है, दोनों पोलर होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों पोलर होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसको कहते हैं डायपोल डायपोल। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस, अगर दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं तो डायपोल डायपोल, अगर एक आयनिक है दूसरा पोलर है तो आयन डायपोल, ठीक है। और दूसरा एक चौथा केस ये वाला है CH3OH और CH3COCH3, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कि आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है साइक्लोहेक्सेन और एक दे रखा है KCl, एक दे रखा है CH3OH और एक दे रखा है CH3CN, और इन चारों की सॉल्युबिलिटी बतानी है एन ऑक्टेन के अंदर, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी, और उनको इनके सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे कम कौन सॉल्युबल है और सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल है। तो सबको पता है एन ऑक्टेन क्या है, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब आप ये चेक करिए इन चारों में नॉन पोलर कौन है, तो पहला वाला नॉन पोलर है, ठीक है। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि पोलर डिजॉल्व्स इन, या मैं कह सकता हूँ पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो आपको पता है हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो इन चारों सॉल्यूट्स में से नॉन पोलर सॉल्यूट कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल एन ऑक्टेन के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा KCl क्योंकि आयोनिक होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, तो आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर में सबसे कम सॉल्युबल होते हैं, तो KCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है ना। अब देखिए CH3OH और CH3CN दोनों पोलर होते हैं, पर कंपैरिजन करें तो ये मोर पोलर होता है और ये लेस पोलर होता है। तो लेस पोलर का मतलब बच्चों क्या हुआ, लेस पोलर का मतलब हुआ मोर नॉन पोलर। तो मोर नॉन पोलर होने की वजह से इन दोनों में CH3CN ज्यादा सॉल्युबल होगा एन ऑक्टेन के अंदर, उसके पीछे आ जाएगा CH3OH, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर अगेन आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि कौन पार्शियली, कौन हाईली और कौन इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, यानी आपके पास सॉल्वेंट आपको वाटर दे रखा है, तो सॉल्वेंट इज वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, पार्शियल सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल का मतलब इंटरमीडिएट सॉल्युबिलिटी, और कौन इनसॉल्युबल है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनॉल की। तो देखो बच्चों फिनॉल होता है C6H5OH, इसमें जो ये बेंजीन वाला पोर्शन होता है वो नॉन पोलर होता है,
जबकि OH वाला पोर्शन जो है पोलर होता है, ठीक है। तो क्योंकि फिनॉल के अंदर नॉन पोलर और पोलर दोनों पार्ट एक्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होगी, पार्शियल, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नंबर टू, दूसरा आपको टॉलिन दे रखा है। टॉलिन होता है बेंजीन रिंग पर CH3 कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका टॉलिन। तो इसमें ये बेंजीन रिंग वाला पार्ट भी कैसा होता है, नॉन पोलर है, और CH3 इटसेल्फ नॉन पोलर, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूट है नॉन पोलर और सॉल्वेंट है पोलर, तो क्या नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसॉल्युबल, यानी टॉलिन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है यहाँ तक। चलिए थर्ड आपको दे रखा फॉर्मिक एसिड, तो सभी को पता है एसिड्स तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल होगा, ठीक है, वाटर के अंदर। फिर आपको दे रखा है इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि इथाइलीन ग्लाइकोल वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर है H2 और ये है इथाइलीन ग्लाइकोल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। आपको पता होना चाहिए जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते वो लगभग सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो ये हो गया आपका सॉल्युबल, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉर्म इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंटेनॉल, पेंटेनॉल के अंदर क्या दिक्कत है बेटा, कि CH3 CH2 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 CH2OH, इसमें एक बिगर बिगर नॉन पोलर पार्ट होता है और OH पोलर पार्ट है, तो इसमें एक बहुत बड़ा नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से पेंटेनॉल की सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, पार्शियल। तो इसका आंसर हो गया पार्शियल सॉल्युबल, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको एक लेक वाटर है, झील का पानी है, उसकी डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर एमएल, और इसके अंदर 92 ग्राम सोडियम आयन्स प्रेजेंट है पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एनी पॉजिटिव आयन्स इन द लेक, ठीक है। तो आपको पता है मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ हमारा जो सॉल्यूट है वो सोडियम आयन, ठीक है, और सॉल्वेंट हो गया हमारा लेक वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना दे रखा है हमें सोडियम आयन का 92, और मोलर मास कितना होता है सोडियम का, तो सभी को पता होगा 23, तो 92/23 करके ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा सॉल्वेंट यानी लेक वाटर कितना दे रखा पर केजी का मतलब 1 kg, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 मोल पर केजी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोलैरिटी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है CuS का, KSP दे रखा है, CuS की KSP कितनी दे रखी है, 6×10^-16 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय KSP। आपको मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है बच्चों, मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी,
सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है एस, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो सी यू एस जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो इट विल गिव यू सी यू टू पॉजिटिव प्लस एस टू नेगेटिव, कॉपर आयन और सल्फाइड आयन्स, ठीक है। मान के चलते हैं सी यू टू पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी एस है और सल्फाइड आयन की सॉल्युबिलिटी भी एस है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया सी यू टू पॉजिटिव इंटू एस टू नेगेटिव, ठीक है, ऐसे निकालते हैं के एस पी। तो सी यू टू पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी हमने एस ली, एस टू नेगेटिव की भी एस ली, तो ये हो गया एस स्क्वायर। तो इससे एस बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एस पी, यानी रूट के एस पी, के एस पी कितना हो गया 6 × 10⁻¹⁶, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लोगे आप, इससे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको मास परसेंट निकालना है एस्पिरिन का इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम एस्पिरिन इज डिसॉल्वड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2.28 मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला। अब किसका निकालना है, जैसे मास परसेंट निकालना है एस्पिरिन का, तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन में टोटल मास इनटू 100, ठीक है। अब मास ऑफ एस्पिरिन आपको गिवन है 6.5 और टोटल मास हो गया 6.5 प्लस 450, 450 दे रखा है एसीटोनाइट्राइल का मास है 450 इनटू 100, इसे सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2.29, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें एक सॉल्यूट दे रखा है आपको नेलोरफीन, इट इज सिमिलर टू मॉर्फिन, सबको पता है मॉर्फिन क्या है, ड्रग है, और नेलोरफीन का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा मॉर्फिन छुड़ाने के लिए, जिन लोगों को मॉर्फिन लेने की लत होती है उनको छुड़ाने के लिए नेलोरफीन का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी डोज है मतलब 1.5 मिलीग्राम की डोज होती है वो देते हैं डॉक्टर्स। तो कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 × 10⁻³ एम एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, मतलब 1.5 मिलीग्राम की जो टैबलेट है उसे बनाने के लिए गिवन सॉल्यूशन का कितना मास आपको चाहिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है 1.5 × 10⁻³ एम एक्वस, एक्वस दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नेलोरफीन, ठीक है ना, ये स्मॉल एम का मतलब मोलैलिटी दे रखी है। तो ये जो लाइन है 1.5 × 10⁻³ एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नेलोरफीन, इस लाइन का मीनिंग क्या है, मतलब आपको जो मोलैलिटी दे रखी है उसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 × 10⁻³ मोल्स ऑफ नेलोरफीन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है उस लाइन का मतलब आपको क्या डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है इतने मोल्स ऑफ नेलोरफीन इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ नेलोरफीन आपको गिवन है 1.5 × 10⁻³, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे आप नेलोरफीन का, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला दे रखा है, क्या फॉर्मूला दे रखा है, C19H21NO3, कैसे निकालोगे, 19 × 12 तो कार्बन का हो गया, कार्बन का एटम कॉस्ट 12 होता है, प्लस 21 × 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 × 16 एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन का, सॉल्व कर लेना ये
311 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो अब मुझे अगर मास ऑफ नेलोरफीन चाहिए तो मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स हो गए 1.5 × 10⁻³ इंटू मोलर मास 311। इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ वरना आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये मास आ गया नेलोरफिन का। चलिए उसके बाद क्या करना है, अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम यानी लगभग 1000 ग्राम। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1.5 × ये हो गया 0.311, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो 0.311 और 1.5 को सॉल्व करते हैं, ये आ गया आपका 0.4665 ग्राम, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट आपका 0.4665 ग्राम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, तो ये 1000.4665 ग्राम के लगभग आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए आपको बनानी है 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट। 1.5 मिलीग्राम की टैबलेट आपको कैसे बनानी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.4665 ग्राम नेलोरफीन, ठीक है ना। ये है कि नहीं, इतना आपको पता है कि नहीं कि इतने ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 0.4665 ग्राम ऑफ नेलोरफीन। तो मैं लिखूंगा 0.4665 ग्राम नेलोरफीन प्रेजेंट है 1000.4665 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो 1.5 × 10⁻³ वो 1.5 मिलीग्राम की टेबलेट बनानी है, तो 1.5 × 10⁻³ की टेबलेट बनाने के लिए कितने ग्राम सॉल्यूशन चाहिएगा आपको, 1000.4665 डिवाइडेड बाय 0.4665 मल्टीप्लाई बाय 1.5 × 10⁻³। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछ रहा हूँ। इसका एक दूसरा भी है तरीका, सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड देख लो, सेकंड मेथड थोड़ा इजी होता है। देखो अभी आपने निकाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेलोरफीन कितना निकाला, 311 ग्राम, ठीक है। अब सीधे सीधे आप क्या करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी होता है डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, ठीक, अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। मोलैलिटी आपको कितनी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में, 1.5 × 10⁻³, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी में आ जाएगा कितने ग्राम की टेबलेट बनानी, कितनी डोज बनानी, 1.5 मिलीग्राम। तो 1.5 मिलीग्राम के लिए मैं लिख दूंगा 10⁻³ अपॉन एम बी हो गया 311 × 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी, ठीक है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू ए निकाल लोगे तो डब्ल्यू ए की जो वैल्यू आएगी वही आपका लगभग आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट है कि सॉल्वेंट का जो मास होगा वही सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप खुद ही देखिए कि
जो सॉल्यूशन का जो हम मास निकाल रहे हैं तो वो निकल के आ रहा है 1000.4665। तो हम चाहें तो 4665 ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम यहाँ से नेगलेक्ट भी कर सकते, तो वो 1000 ग्राम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड है, ये इजी मेथड है, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराते, थैंक यू।